नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर चैनल मोक्स में। दोस्तों, आपने रोबोट ट्रेडिंग के बारे में कई बार सुना होगा। स्टॉक मार्केट के अंदर इसका इस्तेमाल होता है और आजकल क्रिप्टो के अंदर भी ये बहुत ही ज्यादा प्रचलित है। वैसे तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या प्रोग्राम है, उसका यूज हम अगर स्टॉक मार्केट में करना चाहते हैं तो ब्रोकर के थ्रू उसकी एप्लीकेशन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और रोबोट ट्रेडिंग कर सकते हैं। और अगर आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं तो किसी भी एक्सचेंज के अंदर उसकी एपीआई की के द्वारा इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन आजकल जितने भी बड़े एक्सचेंजेस हैं उसके अंदर रोबोट ट्रेडिंग की जगह पर एक ऐसा ट्रेडिंग फीचर्स यहाँ पर ऐड किया गया है जिसको आप एज अ रोबोट ट्रेडिंग ही बोल सकते हैं, जिसको हम यहाँ पर बोट ट्रेडिंग बोलते हैं। और जो बिल्कुल ही रोबोट ट्रेडिंग के अंदर जो फीचर्स है उससे हालांकि कम फीचर्स है, लेकिन थोड़े बहुत उसके जैसे फीचर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम बिना कोई मैनुअली ट्रेडिंग किए बिना हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा खासा इसमें से रिटर्न हम निकाल सकते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं आज आपको बताऊंगा कुकॉइन के अंदर। वैसे तो ये बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर भी ग्रीड ट्रेडिंग के नाम से है और यहाँ पर ये बोट ट्रेडिंग के नाम से है। आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं, ट्रेड के अंदर आप जाओगे तो वहां पर आपको ये ट्रेडिंग बोट नाम का एक टैब है, उसके अंदर आपको ये मिलेगा और इस तरीके का आपको इंटरफेस यहाँ पर दिखाई देगा। अगर आपके पास में कुकॉइन का अकाउंट नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक मिल जाएगी, उसके थ्रू आप अपने अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ही इस पेज के ऊपर आ जाएंगे यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। आप चाहे तो स्पॉट के अंदर भी ग्रीड ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको फ्यूचर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड के अंदर आपको सारे कॉइन्स आपको मिल जाएंगे। जिस भी कॉइन के अंदर आपको अपनी बोट ट्रेडिंग या ग्रिड ट्रेडिंग करना है उसको आप सिलेक्ट कीजिए, ऑटोमेटिकली इसका चार्ट यहाँ पर आ जाएगा। चार्ट यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू का है इसलिए चार्ट के अंदर किसी भी प्रकार की कोई डिफेक्ट नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट चार्ट है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिड नजर आ रहे हैं। आप चाहे तो इसे ग्रिड को ऑफ भी कर सकते हैं और आप चाहे तो ग्रिड को ऑन भी कर सकते हैं। ये जो भी खेल है ये इन्हीं ग्रिड का खेल है। ये जो लाइंस बनी हुई है चार्ट के ऊपर ये इंडिकेट करती है कि आपको कहां पर बाय करना है और कहां पर सेल करना है। हालांकि ये आपने नहीं करना होता है, ऑटोमेटिकली ये बोट करता है। हमने सिर्फ यहां पर अपना ऑटो बोट ट्रेडिंग को सेट करना है या आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले आपको मैं कुछ इसकी स्टेटिस्टिक दिखा देता हूं कि जो लोग इस ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके पैसे कमाते हैं उनका लिस्ट यहां पर लीडर बोर्ड के अंदर दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिन जिन लोगों ने पैसा कमाया है उनका आप देख सकते हैं रिटर्न। ग्रेट ट्रेडिंग या बोर्ड ट्रेडिंग के माध्यम से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिटर्न इन्होंने कमाया हुआ है। अगर डेली प्रॉफिट भी आप देखते हैं तो डेली प्रॉफिट के अंदर भी आप देख सकते हैं यहाँ पर $5,000 वो डेली का कमा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ ग्रेट ट्रेडिंग या बोर्ड ट्रेडिंग का इस्तेमाल करके। ओके, जब वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तब मुझे एक कूपन भी यहाँ रिसीव हुआ है, 100% ऑफ ट्रेडिंग फी रिबेट कूपन। आई डोंट नो इसके अंदर क्या है बट देखते हैं। ओके, ये जो कूपन है यहाँ पर अप्लाई हो जाता है जब आपको ऐसे कोई कूपन रिसीव होती है तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर ये अप्लाई हो जाता है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि आप इसके अंदर स्पॉट के अंदर भी ग्रीड ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप इसके अंदर फ्यूचर के अंदर भी ग्रीड ट्रेडिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमें चार्ट को समझना है। चार्ट ट्रेडिंग व्यू के द्वारा बनाया गया चार्ट है तो इसके अंदर नो डाउट चार्ट बहुत ही अच्छा है। इसके अंदर जो लाइन बनी हुई है जो ग्रिड बने हुए हैं इसका एक मतलब है। इसका मतलब यह है कि हर एक लाइन एक प्राइस बैंड को दिखाता है जो कि आपके बाइंग और सेलिंग प्राइस को दर्शाता है। तो सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि दो टाइप का यहाँ पर आपको ट्रेडिंग कर सकते हैं, एक तो ऑटो और दूसरा आप उसे कस्टमाइज करके भी कर सकते हैं। तो सबसे आसान इसके अंदर ऑटो है। इसके अंदर कुछ भी नहीं करना होता है, आपने सिर्फ मिनिमम $75 से आप इसके अंदर ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर $100 यहाँ पर डिपॉजिट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर $100 अगर मेरे अकाउंट के अंदर है तो मैं उसको यहाँ पर यूज करूंगा। फिलहाल यहाँ पर इनसफिशियंट बैलेंस है क्योंकि ये मेरा डेमो अकाउंट है। तो यहाँ पर आपका बैलेंस होगा तो ऑटोमेटिकली वो बैलेंस यहाँ पर ले लेगा और यहाँ पर क्रिएट का आपने जो टैब है उसको क्लिक करना है। दैट्स इट, इतने में आपका ये ग्रिड ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब ग्रिड ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है क्योंकि सबसे पहले समझना जरूरी है कि ये एक्चुअली है क्या चीज।
तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, जो यहां पर प्रॉफिट शो करेगा वो आपको एपीआर में शो करेगा, यानी कि एनुअल परसेंटेज रिटर्न। पैरामीटर यहां पर ऑटोमेटिकली सेट हुए हैं, क्योंकि यहां पर हम चार्ट देख रहे हैं बीटीसी ऑब्लिक यूएसडीटी का। तो इसके अंदर आपको पता है कि जो प्राइस अभी फ्लक्चुएट हो रही है, तो ये जो फ्लक्चुएशन है वो तकरीबन तकरीबन आपका अभी तो $18,000 से लेके $21,000 के बीच में चल रहा है। तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर क्या है, 100 ट्रेड्स के अंदर ये बढ़ जाता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो प्राइस बैंड, जो प्राइस की रेंज जो है, वो यूएसडीटी के अंदर सेट हुई है 13,666 और 25,380 के बीच में। यानी कि उसके नीचे अगर जाता है तो ये बो ट्रेडिंग काम नहीं करेगा, बट अगर इसी प्राइस रेंज के अंदर होगा तो ये ट्रेडिंग काम करेगा। अभी ये जो रेंज है उसको इन्होंने 100 ट्रेड्स के अंदर बांटा हुआ है, यानी कि 100 ऑर्डर के अंदर बांटा हुआ है। सपोज आपने यहाँ पर एंट्री ली हुई है, और जैसे आपकी एंट्री लेने के बाद में प्राइस अप गया तो एक ग्रिड पार करते हुए दूसरे ग्रिड तक पहुंचा, तो फर्स्ट जो ग्रिड है वो ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस बन जाएगा, और बाद में अगर यहां से नीचे आता है तो स्टॉप लॉस हिट होके आपको प्रॉफिट मिल जाएगा, और वापस से यहां आएगा तो बाय हो जाएगा। सेम यहां अगर अगर आपने एंट्री ली उसके बाद ये डाउन हुआ, तो वापस यहां पर दोबारा से एक ऑर्डर बाय होगा, फिर नीचे जाएगा तो फिर नीचे से एक ऑर्डर बाय होगा, तो ये कंटिन्यूअस बाइंग सेलिंग चलती रहेगी। तो ये एक इमोशनलेस ट्रेडिंग है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग का इमोशन होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट अगर मिल जाता है तो बोलते हैं कि यार यहाँ से मैं लॉस ना खा बैठू, फिर प्रॉफिट ले लेता है। अगर थोड़ा डाउन हो जाता है आपके ली हुई प्राइस से, अगर कोई भी कॉइन या कोई भी स्टॉक, तो हमारा नेचर क्या रहता है कि हम ज्यादा लॉस ना खाए बैठे तो हम घाटे में भी उसको बेच देते हैं। बट यहाँ पर ये जो रोबोट ट्रेडिंग है, जो बोट ट्रेडिंग है, ऐसा नहीं करता है, ये इमोशन के ऊपर काबू रखता है। हालांकि इसको कोई इमोशन होता ही नहीं, वो हमें जो पैरामीटर सेट किए उसी के ऊपर ये वर्क करता है। तो ये जितनी भी ग्रिड है वो हर एक प्राइस बैंड को दर्शाती है, यानी कि जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाती रहेगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट बुक होता रहेगा, अगर प्राइस नीचे आती तो आपका ऑर्डर वो है वो फिल होता रहेगा, आपकी बाइंग वो चलती रहेगी। तो बाइंग और सेलिंग दोनों को यहाँ पर इस तरीके से मैनेज किया हुआ है कि 100 ट्रेड तक। तो अगर बीटीसी की प्राइस अगर 100 ट्रेड तक आपकी सीमित रहती है, तो आप इसमें से काफी सारा मुनाफा कमा सकते हैं, और आपको चार्ट देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ये आपका बोट है वो ट्रेडिंग करता रहेगा। आपको यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है वो यहाँ पर एपीआर के अंदर शो होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर बताया आपको कि ये ऑटो ट्रेडिंग है, और अभी आप चाहे तो इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर दूसरा एक टैब दिया हुआ है कस्टमाइज का, यहाँ पर आप जैसे भी क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर पैरामीटर दिखाई देगा। हमने यहाँ पर ऑटो में देखा था कि यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक प्राइस बैंड जो है वो सेट किया हुआ है, प्राइस के रेंज जो है वो सेट की थी 13,666 से 25,380 के बीच में। बट यहाँ पर आप चाहे तो उसको सेट कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको $18,000 से आप $23,000 के बीच में भी इसको सेट कर सकते हैं, और आप चाहे तो नंबर ऑफ ट्रेड है 200 से लेके 100, 200 तक भी आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं मैं 50 रखूं, तो मैं 50 यहां पर कर दूंगा, और बाकी यहां पर आपने कुछ भी नहीं छेड़ना है, बाकी ऑटोमेटिकली यहां पर हो जाएगा। आपने बस अपनी अमाउंट यहां पर डालनी है, और मिनिमम अमाउंट है उससे आपने थोड़ा ज्यादा ही डालना है, उसके बाद आपने यहां पर क्रिएट कर लेना है। आप चाहे तो उसको स्टॉप लॉस भी यहां पर अपने हिसाब से कर सकते हैं सेट। कैसे, यहां पर एडवांस सेटिंग के अंदर जाओ, यहां पर आपको एंट्री प्राइस, टॉप प्राइस और टेक प्रॉफिट प्राइस भी आपको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। एंट्री प्राइस अभी आप चाहते हैं, आपने एंट्री अभी नहीं लेनी है, तो एंट्री प्राइस यहाँ पर लिख लीजिए कि जब ये प्राइस $18,000 तक जाए उसके बाद ही मेरी एंट्री हो। तो ये $18,000 अगर बीटीसी के प्राइस पहुंचती है तब जाके ये एंट्री होगी, उसके बाद से आपकी बोर्ड ट्रेडिंग स्टार्ट होगा। तो आप चाहे तो उसको किसी भी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। आप एक बार इस टैब के अंदर आओगे, इस इंटरफेस के ऊपर आप आओगे तो आपको सारा चीज पता लग जाएगा कि एक्चुअली ये बोट ट्रेडिंग कैसे वर्क करता है। सबसे अच्छा इसके अंदर ऑटो बोट ट्रेडिंग है, कस्टमाइज आप करना चाहे तो कर सकते हैं, बट मैं मानता हूं कि ऑटो के अंदर जितना अच्छा रिजल्ट मिलता है उतना आप कस्टमाइज के अंदर रिजल्ट नहीं मिलेगा।
अभी आपको ज्यादा नहीं पता है कुछ भी, तो आप इसका ट्यूटोरियल भी पढ़ सकते हैं। ट्यूटोरियल मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर नीचे, वैसे यहाँ पर ट्यूटोरियल दिया हुआ है, उसको क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा ट्यूटोरियल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कैसे आप ऑटो में और कैसे आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है, इसको देख के भी आप सीख सकते हैं। अभी बात कर लेते हैं इसके अंदर फीस कितनी लगती है। 0.30% से लेके 0.69% ये फी डिडक्ट होने के बाद में आपको यहाँ पर प्रॉफिट जो है आपका शो करेगा, यानी कि फीस यहाँ पर ज्यादा है। हालांकि फीस यहाँ पर ज्यादा आपको दिख रही है, लेकिन अगर आप थर्ड पार्टी किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर आपको काफी सारा पैसा लिया जाता है बोट ट्रेडिंग कराने का। और यहाँ पर एक्सचेंजेस ने आपके लिए ये फ्री में दिया हुआ है, बिल्कुल ही कम फीस के अंदर, 0.30%, कोई ज्यादा इतनी फीस नहीं है जो थर्ड पार्टी रोबोट ट्रेडिंग के टूल है उसके हिसाब से। तो आप एक बार इसको ट्राई भी कर सकते हैं। अगर इसके बारे में और आपको कुछ जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हालांकि इसका मैं एक और लाइव एग्जांपल भी आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर कैसे डिपॉजिट करते हैं और कैसे इसके अंदर ट्रेड करते हैं और ट्रेड का रिजल्ट क्या होता है। ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आऊंगा। इसके फायदे ज्यादा है, नुकसान बहुत ही कम है। नुकसान बस इतना ही है कि इसकी फीस नॉर्मल ट्रेडिंग से थोड़ी सी ज्यादा है, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपने यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए चार्ट को देखने की जरूरत नहीं है, बार बार एप्लीकेशन या आपने एक्शन को लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वीडियो के अंदर बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक है दोस्तों जय हिंद।